आपका हमने, लेकिन अब जरा आप हमारा लोहा मांगने, जरा देखिए जादू हमारा। मान गए ना लोहा? तालियां तो बजाइए। काका। हाँ जी काका। वो बेटी शील किधर गई? बेटी शील आ गई। आ गई? अच्छा, आप बताइए कि पहले चश्मा कभी लगाते नहीं थे, अब आज चश्मा लगा के क्यों आ गया? उसका कारण बताता हूँ, उससे पहले मेरे दो छक्के सुन लो। चलिए सुना डालिए। जो कि मैंने अभी यहाँ बैठे बैठे लिखे हैं। सुना डालिए। नई साल के नए दिन, नई साल के नए दिन, नई दिल्ली के बीच बादल बरसे हुस्न के हो इश्क की कीच। नई साल, नई साल के नए दिन, नई दिल्ली के बीच बादल बरसे हुस्न के हो इश्क की कीच। हो इश्क की कीच जा रहा सन 1979 जी, जा रहा सन 1979। आए नई उमंग उड़नचू हो उदासी, आए नई उमंग उड़नचू हो उदासी, बने नई सरकार नया रंग नई रवानी, काकी पर यौवन काका पर आए जवानी। एक और सुनाइए। दूसरा, बाल वर्ष तो जा रहा, बाल वर्ष तो जा रहा, हम पर खाओ तरस बूढ़ों पर। बाल वर्ष तो जा रहा, हम पर खाओ तरस, सन 80 को कीजिए घोषित बूढ़ा वर्ष।
अरे महिला वर्ष हो गया, बाल वर्ष हो गया, बुढ़ा वर्ष बनू। काका आपको बूढ़ा किसी सूरत कोई नहीं कहेगा। लेकिन और तो है मेरे साथी। अच्छा चलिए सनासी। फिर से बाल वर्ष तो जा रहा, हम पर खाओ तरस, सन 80 को कीजिए घोषित बूढ़ा वर्ष। घोषित बूढ़ा वर्ष बालकों को बहलाया हमने, बुड्ढों का और काम क्या है, बालकों को बहलाया, मुफ्त रेल में सफर, मुफ्त में दूध पिलाया, कह काका कवि नए वर्ष में पुण्य कमाओ, सब बूढ़ों को मुफ्त कैबरे डांस दिखाओ। अभी दिखाएंगे काका, अभी दिखाएंगे सब बूढ़ों को काका, ये हसरत पूरी कर देंगे आज। अब आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक, अब बताइए चश्मा क्यों पहना। अब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, और जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। चश्मा क्यों लगाया जी? मोतियाबिंद हो गया था। आप पूछेंगे मोतियाबिंद कैसे हो गया, मैं कहता हूँ ऐसे हो गया। पहले एक लक्षण बताते हैं मोतियाबिंद का, कि दूर की एक चीज दो दिखाई देती है, कोई रोशनी दूर की हो तो दो दिखाई देंगी, सब डॉक्टर कहते हैं। और हुआ कैसे मोतियाबिंद बताता हूँ ईमानदारी, सच सच बिल्कुल। मोती जैसे दांत थे किसी के, मोती जैसे दांत थे मुखमंडल जो इंदु चंद्रमा, मोती जैसे दांत थे मुखमंडल जो इंदु, लड़ी आंख से आंख तो हुआ मोतियाबिंद। मोती जैसे दांत थे मुखमंडल जो इंदु, लड़ी आंख से आंख तो हुआ मोतियाबिंद। हुआ मोतियाबिंद लाभ बतलाएं तुमको, फायदे बता रहे हैं, लाभ बतलाएं तुमको, सुगर सुंदरी है किंतु दो दी गए। सुगर सुंदरी एक किंतु दो दी गए हमको। डॉक्टर बोला, डॉक्टर बोला ऑपरेशन कब करवाएगा, हमने कहा कि मजा किरकिरा हो जाए। ऑपरेशन ऑपरेशन कब करवाएगा, हमने कहा हुजूर मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन साहब काम नहीं चला, बहुत कम दिखाई देने लगा, तो फिर गए डॉक्टर के पास। पुनः डॉक्टर पर गए 6 महीने के बाद, पुनः डॉक्टर पर गए 6 महीने के बाद, प्रभो मोतियाबिंद का बिगड़ गया है स्वाद। मैंने कहा मोतियाबिंद का बिगड़ गया है स्वाद, बिगड़ गया है स्वाद, क्या हुआ मिस्टर काका? डॉक्टर पूछ रहा है क्या हुआ मिस्टर काका, दो दो सुंदरियों पर डाल रहे थे डॉक्टर। क्या हुआ मिस्टर काका, दो दो सुंदरियों पर डाल रहे थे डाका। हमने कहा डॉक्टर साहब रोग बढ़ गया अधिक, शरण में हमको लीजिए, काकी दिखे चार ऑपरेशन कर दिए। एक सही परेशान था, काकी दिखे चार ऑपरेशन कर दिए। तो ऑपरेशन जब हो गया, आंख का ऑपरेशन, ऑपरेशन जब हो गया बोले डॉक्टर साहब, ऑपरेशन जब हो गया बोले डॉक्टर साहब चित्त पड़े रहिए वरन आंख हो जाए खराब, आंख हो जाए खराब, रात को नर्स आएगी, रात को नर्स आएगी, प्रेम पूर्वक वह तुमको करवट लिभाएगी। तो तीन शब्द की यह शब्दावली हमें आ गई, नर्स प्रेम करवट सुनकर फुरफुरी आ गई। नर्स प्रेम करवट सुनकर फुरफुरी आ गई। तो डॉक्टर से अब काकी बैठी है, डॉक्टर खड़ी है, मैं पलंग पे पड़ा हूं। डॉक्टर से कहने लगी काकी मन की बात, डॉक्टर से कहने लगी काकी मन की बात, मैं भी इनके वास्ते जागू सारी रात, जागू सारी रात। डॉक्टर ने कहा कष्ट क्यों करती हैं काकी, आप सोइए, सेवा करें नर्स का काकी। बोली आंख तरे नर्स रख दी है इनको, इसीलिए तो रात जागना पड़ता हमको। बुढ़ापे में भी शंका, नर्स रख दी है इनको इसीलिए तो। तो काकी जी के कष्ट पर आया उनको तरस, डॉक्टर को काकी जी के कष्ट पर आया उनको तरस, सुंदर गुड़िया बदल कर रख दी बुढ़िया नर्स। छुट्टी हुई, सुंदर गुड़िया बदल कर रख दी बुढ़िया नर्स, रख दी बुढ़िया नर्स, कलूटी काली मोटी, हाथी जैसी देह, आंखें छोटी छोटी। कहने लगी आते ही, कहने लगी कि काका साहब, साको शाह बोलती थी, कहने लगी कि काका साहब उदास हो गया। हमने कहा कि मैडम सत्यानाश हो गया। काका वैसे आप ठीक नजर आता है, बहुत अच्छा है, अब अच्छा ने, अब लेकिन अब चार काकी नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना, अब गजल सुनाएंगे, एक गजल सुनाएंगे। गजल वैसे हम हास्य के कभी लिखते नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है
कभी छेड़छाड़ हो जाती है तो गजल लिख देते हैं। कहीं हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ, उसमें एक हिंदी के कवि ने दो गजल सुनाई, हिंदी के कवि ने। मेरी पत्नी श्रोताओं में बैठी थी, कहने लगी कि हिंदी के कवि गजल लिख रहे हैं, आप क्यों नहीं लिखते? हमने कहा गजल का मतलब समझती हो डार्लिंग? गजल का मतलब? बोले क्या? हमने कहा तुमने कभी गजक खाई है? गजक गजक गुड़ और तिल से बनती है, और गजल दिमाग और दिल से बनती है। वाह वाह वाह। हमने कहा एक गजल पेश कर रहे हैं, इसमें दिल तुम्हारा दिमाग हमारा। देखिए काकी माने काका की पत्नी और लड़की सरतनिया, तो दिल तुम्हारा दिमाग हमारा, तो हमारी काका काकी की बातें हो रही हैं, आप आनंद लीजिए। और मैंने ये भी बताया इस गजल में कि गजल होती क्या है, गजल किसे कहते हैं। दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, दिल को, दिल को, अभी तो आप वाह करेंगे भी क्या है, दिल को इस दिल से, दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, रूप का सूप पिलाओ तो गजल होती है, रूप का सौंदर्य का, रूप का सूप पिलाओ तो गजल होती है, और झोंक कर भाड़ में मनहूसियत के कूड़े को। हमने कहा हास्य कवि की पत्नी हो उदास क्यों रहती हो? झोंक कर भाड़ में मनहूसियत के कूड़े को हास्य के फूल खिलाओ तो गजल होती है, हास्य के खुशी के फूल। अगले शेर पर दाद देंगे सब, खुशी के फूल खिलाओ तो गजल होती है। फिर मैंने कहा श्रीमती जी से बजा के चिमटा या कोई खास इशारा करके हमको कमरे में बुलाओ तो गजल होती है। बजा के चिमटा या कोई खास इशारा करके हमको कमरे में बुलाओ तो गजल होती है। अगला शेर, प्यार की प्लेट में भर करके हुस्न का हलवा, प्यार की प्लेट में भर करके हुस्न का हलवा, अपनी उंगली से चटाओ तो गजल होती है। वाह 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 वाह। देखिए कल्पना करिए कोई बुढ़िया पोखे बुढ़े को हलवा चटावे, फिर तो जवानी आ जाए और डांटे फटकारे दो दिन में मर जाए। इसलिए मैं सब बुढ़ियों से कहता हूँ कि बुढ़ों का आदर करो, प्यार करो उनसे। कभी कभी मेरी पत्नी आंख दिखाती है, जरा नाराज हो जाती है, जो बहुत पुराना शेर सुना देता हूँ। बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, 65 वर्ष की है, बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, अरे वो तो हम है के गुड़गुड़ाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, वो तो हम है जो गुड़गुड़ाए जाते, गुड़गुड़ाने का अर्थ निभा रहे हैं जी हाँ, वो तो हम है कि तो प्यार। फिर उसी गजल पे आ रहा हूँ, प्यार की प्लेट में भर कर के हुस्न का हलवा, अपनी उंगली से चटाओ तो गजल होती है। और मैंने कहा हुजूर पतंग आपकी और हमारा कनकौआ, दोनों चीजें उड़ने वाली हैं, नाम का फर्क है, अर्थ एक ही है। पतंग आपकी और हमारा कनकौआ, इश्क के पेच लड़ाओ तो गजल होती है, इश्क के पेच लड़ाओ तो गजल होती है, और व्यर्थ बंदूक है तलवार वो बर्छी वाली, सब हथियार फजूल, मैंने क्या बताया। व्यर्थ बंदूक है तलवार व बर्छी वाले, नजर के तीर चलाओ तो गजल होती है, नयन के या नजर के तीर चलाओ तो गजल होती है। फिर मैंने कहा अपने घर पे या मेरे घर पे बातें की, अपने घर पे कभी दो चार सहेली सुंदर, अपने घर पे कभी दो चार सहेली सुंदर, गजल सुनने को बुलाओ तो गजल होती है। ये बात पक्की कही, गजल सुनने को बुलाओ तो गजल होती है। और मूड बन जाए अगर गजल को सुनते सुनते, सब संभव है, मूड बन जाए अगर गजल को सुनते सुनते, झूम के ठुमका लगाओ तो गजल होती है, झूम के ठुमका, और मिर्गी आ जाए हमें गजल को गाते गाते, सब संभव है। साहब तानसेन गाते थे तो मृग आ जाते थे, अब मिर्गी आ जाती मैं मृग या हिरण, अब मिर्गी आ जाती, मिर्गी आ जाए हमें गजल को गाते गाते, अपनी सैंडल को सुंघाओ तो गजल होती है, अपनी सैंडल को सुंघाओ तो गजल होती है। एक बात नहीं छिपाऊंगा इस गजल के अंत में, मैं इस गजल को एक बड़े कवि सम्मेलन में सुना रहा था, दूर एक कवित्री बैठी थी, बोली काका ये बुढ़ापे में भी इश्किया चीजें सुनाते हो, तो तीन शेर हमने उसकी तरफ सप्लाई किए। अच्छा, जवाब तो कुछ देना ही था, तीन सप्लाई की, लड़की थी जाहिर है, हम बेटी कहते थे जी हाँ। बुढ़ापे में भी हमने इश्क की तिकड़म निकाली है, बुढ़ापे में भी हमने इश्क की, सुनेगा, बुढ़ापे में भी हमने इश्क की तिकड़म निकाली है, तेरी मम्मी की फोटो अपने सीने पे, बुढ़ापे में भी
बुढ़ापे में भी हमने इश्क की तिकड़म निकाली है, तेरी मम्मी की फोटो, तेरी मम्मी की फोटो अपने सीने पे लगा ली है, और ये नागिन जैसी लट, उसकी मम्मी से कह रहा हूँ, ये नागिन जैसी लट जो आपने कांधे पे डाली है, ये नागिन जैसी लट जो आपने कांधे पे डाली है, प्लास्टिक मेड है या पूंछ घोड़े की लगा ली है, प्लास्टिक मेड है या पूंछ घोड़े की लगा ली है। चलो झगड़ा मिटा, आखिर में मैंने कहा चलो झगड़ा मिटा, दोनों बराबर हो गए मैडम, हमारे दांत नकली हैं, तुम्हारी जुल्फ जाली है। चलिए जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। लीजिए, हमारे किसान भाई भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ गए हैं। आइए चौधरी जी। कैसे चौधरी जी? ठीक है। देखिए मैं भूल गई थी जी, ऐसे है कि आज हमारे स्टूडियो में टीवी में काम करने वाले जितने जगमगाते सितारे हैं वो फैंसी ड्रेस में आए हैं, और आपको 10 सेकंड में बूझना है कि वो कौन है। जानी मानी पर्सनैलिटीज हैं, आपको बूझना है कि वो कौन कौन है। ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, सो पहले आप इन्हीं को पहचानने की कोशिश कीजिए। खोल दीजिए, आप चुप नहीं सकते जल्दी। टंडन साहब, ये सवाल जवाब आप ही के बस की बात है, आप ही संभालिए। देखा आपने, मैं तो यही कहूंगा, नैन तुम्हारे तीन लोग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं, तो कौन है ये बताएगा कोई? ओहो, नहीं नहीं, अच्छा एक बात, एक मिनट, जो नहीं बताएगा वो हाथ खड़ा करे। क्योंकि आप लोगों ने तो सबने आपसे पूछूं, अच्छा क्यों साहब, आप प्रॉम्प्ट क्यों कर रही है ना? अच्छा, चलिए साहब आप भी बताइए। ये मुक्ता श्रीवास्तव जी है, बिल्कुल सही। इन प्लास्टिक की नजरों से भी आप लोगों ने मुझे पहचान लिया, कमाल की बात है। प्लास्टिक की नजरें आपकी थी। जी हाँ, इनकी नजरें तो माशाल्लाह बहुत तेज हैं, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो हमारी महफिल जमती है ना, उस महफिल में कौन होता है? आप और हम, और बाकी हर रोज तो ये होता ही है। ये आकाशवाणी दूरदर्शन है चैनल 4 पर, आज शाम बहनों के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि आंखों में मिर्च डालना, माफ कीजिएगा, आंख की अच्छी देखभाल और मिर्च के अचार डालने के बारे में बताया जाएगा। यानी ऐसी गलतियाँ आप जानबूझ के करती हैं लगता है? जी नहीं, आज तो कुछ मौका मिला है ना गलतियाँ करने का, बाकी दिन तो ये गलतियाँ होनी, आज माफी भी है सब। जी हाँ। अच्छा साहब, शुक्रिया मुक्ता जी, और मैं फिर आप लोगों के पास आऊं, और दूसरी पर्सनैलिटी जो है वो अब तशरीफ लाए। वो एक खराब है आज सरदार जी, तो गल की है ना, उत्ते तो मेरा हाथ नहीं जाना, ए तोड़ा हाथ नहीं जाना, तोड़ी थोड़ी तो किल किथे ने, किल चाहिदा है माइक दा वास्ते। की दस रहे हो तुसी? ए गल एक है, ए प्रोग्राम तुसी करा रहे हो सर जी? इसलिए तो तुसी करा रहे हो। नहीं, मैं नहीं करा रही,
पर तुसी सारियां गल्लां छड़ो, मैंने एक गल दसो कि ए दाढ़ी दे केड़ा मंत्र फेरिया जे वाल बड़े काले ते कड़े हो गए ने। ओ तो साड़ी वोटी नूं पता है, है? पास दे दो, ओ थल्ले तुहाड़ी पापी खड़ी है। थले पापी जी खड़े ने जे बच्चों दे नाल। चलो चलो तुसी अगे गेड़ा लायो ते मैं पाप जी नूं उपर लै आउनी आ। चलो अगे वधो। अगे चलो। काका बैठे है, काका ने बड़ी मजेदार बात करी है। काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी मुंह सून, यानी मुंह सूना हो जाता है बिन दाढ़ी बगैर। जो मंसूरी के बिना व्यर्थ है देहरादून। माफ करना, सानू हिंदी नहीं आंदी। मैं आपको हिंदी नहीं आती तो आपको दूसरी जबान भी कोई बड़ी अच्छी नहीं आती। ये सब हाँ नहीं हाँ। अच्छा अब आप बताएंगे ये कौन है, आप में से कोई बताएगा ये कौन है और क्या करते हैं या करती हैं? बताइए, आप बताइए। ज्योत्सना मुखर्जी। जोर से बोलिए। ज्योत्सना मुखर्जी। ज्योत्सना है, कहाँ देखते हैं आप इन्हें? टीवी प्रोग्राम पे अनाउंसमेंट करते हैं आप? और ज्योत्सना जी हैं आप? बोलिए बोलिए, आप ज्योत्सना है और मुखर्जी नहीं हूँ, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है इतनी मेहनत की फिर भी आप लोगों ने पहचान लिया। ज्योत्सना मिश्रा है आप जी? नहीं। फिर आप क्या है? ज्योत्सना। फिर सिर्फ ज्योत्सना है ये, और बड़ी मुख्तसर सी ज्योत्सना है। शुक्रिया ज्योत्सना जी। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। या खुदा, ये आप देखिए इनके अंदाज, इनकी कमर, हाथ में इनके वो चीज जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। और कौन है ये, कोई बताएगा जल्दी से? है? अरे बाबा, आपके पास आऊंगा, आप लोगों ने आपके बताया था, आप बताइए। सुदेश कुमार। सुदेश कुमार जी क्या करते हैं? खेल खिलाड़ी का प्रोग्राम करते हैं। सुदेश कुमार जी, आप टीवी पे तो नहीं देखते इनको खेल खिलाड़ी का प्रोग्राम करते हुए? देखते हैं आप? कभी कभी देखते, कभी कभी आप देखते हैं। खैर, ये सुदेश कुमार है, ये आपने सही बताया। अपना नाम बता दीजिए। राजीव। राजीव, राजीव ने सही बताया। बैठिए सुदेश जी, देखिए कहीं सागर छलक ना जाए आपका। लेकिन बात ये है कि ऐसा साकी देख के मुझे तो बदहजमी हो जाएगी। कुछ नहीं खाली है। अच्छा आइए सुदेश जी, अब देखें आपके और कौन साथी आ रहे हैं, और आप ही पूछिएगा इनसे, मेरे साथ साथ आप पूछ लीजिए तो बड़ा अच्छा है। वैसे खेल खिलाड़ी का आप प्रोग्राम करते हैं, और उससे पहले आप क्या किया करते थे? आप और हम किया करते थे, आप सवाल आप लोग करते थे, जवाब ये देते थे। और आजकल सुदेश कुमार जी बड़ा आप ऐसा काम कर रहे हो कि धर्म भ्रष्ट करा दोगे हम लोगों को। आइए साहब, आइए ना, आइए जी। आपकी मूछ उतर रही है साहब, टंडन साहब। जी उतारता हूँ साहब, उतारता हूँ, लेकिन कैमरे के सामने लीजिए जी। बड़ा बड़ा हिसाब किताब सुना था, मूछ उतार दी है मैंने जरा घबराहट में। बड़ा हिसाब किताब पर तो इम्पोर्टेड जो चीज हो वो इम्पोर्टेड हो। आप पता नहीं कहाँ से तशरीफ लाई हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। आप बता सकेंगे कहाँ से आई हैं और कौन आई हैं? आप बताइए। मधुराजा। मधुराजा जी क्या करती हैं? बच्चों का प्रोग्राम करती है मधुराजा जी, बिल्कुल सही। मधुराजा जी जापान को किराए गुण
ਤੇ ਕਮਣੇ ਵਿਸਾਰ ਨਿਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸਾਈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਹਾਂ सोच रहे हैं आप, अपने गांव का जोगिया और गांव का सिद्ध, ये कहा किसी ने, अपने गांव का जोगिया और गांव का सिद्ध, अपने घर का हंस भी लगता हमको गिद्ध। हाँ साहब, तो बताइए तो सही, बताइए तो सही। हाँ जी, ठंडा पानी पी ना वेख बराई चोपड़ी ना तरसाई जी। बताइएगा बताइएगा, अब तो आप पहचान गए होंगे बोली से, आवाज से, चेहरे से, शख्सियत से, और जिस किस्म की गिनी चुनी बुद्धि से भरी भी बातें कर रहे हैं भाई साहब। कोई नहीं पहचाना, कोई नहीं पहचाना, क्लू क्या दूं? हमेशा जो बात करते हैं वो ऊंची तबके की करते हैं, हल्की फुल्की नहीं करते। आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो आपका एक लिहाज से आपके दिमाग की रहनुमाई करते हैं। और अच्छा उधर आया साहब, ये आधा एक मिनट आने दीजिए, मतलब गांव वाला इतनी जल्दी तो चल नहीं सकता। डॉक्टर महीप सिंह बिल्कुल सही। आइए डॉक्टर साहब, तशरीफ लाइए। मोशन मोशाय जी। अरे आप लोग, हाँ अरे इधर भी आपसे पूछ चुका हूँ, आपसे नहीं पूछा। अच्छा आपने इनसे पूछ लिया? क्यों नहीं पूछा? आप बता देंगे, जरूर बता देंगे, बंगाली में बात बताएंगे। हाँ प्रतिमापुरी जी है ये। सही बिल्कुल। बेकार ही हो गया कहना लड़के लंबे बाल बढ़ाएं, लड़कियां इंग्लिश कट करवाएं, और काका ने क्या कहा था, काका आप ही पूरी कर दीजिए ना ये है? लड़के लंबे बाल बढ़ाएं, लड़की इंग्लिश कट करवाएं, पहचान नहीं जाता भैया को छोरा को छोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। अब किसकी बारी है भाई? इतनी कि कोई आजमा नहीं सकता, और मच्छर गिरा रहे मुझको तो कोई उठा नहीं सकता। के पापड़ एक ही मुक्के में तोड़ू मैं, और कुत्ता जिधर से भोंके वो रास्ता ही छोड़ू। हुआ ना कोई वेट लिफ्टर मुझसे पैदा, हुआ ना कोई वेट लिफ्टर मुझसे पैदा, कौन उठाएगा तेरे नाज मेरे मरने के बाद। Thank you.
इन्हें तो आप पहचान गए होंगे। कीमती, ये कलाकारी छोड़ के ये पहलवानी का शौक कैसे चल रहा है? बस आ गई। क्या आ गई? मन में। मन में क्या? पहलवानी का शौक आ गया। आ गया। अच्छा, तो ये खाने पीने का क्या सिलसिला रहता है? हिसाब किताब क्या है? खास नहीं, एक बिस्कुट था, वो कल से खा रहा हूँ जेब में। और कुछ एक सुबह एक दो दर्जन केले, दो दर्जन संतरे समझ लीजिए, और कुछ एक दो किलो बादाम और एक आधा गिलास पानी, बस बहुत है मेरे लिए। तो घर के लोग तो अनाथ आश्रम चले गए होंगे। घर के लोग क्या मतलब आपसे? बादाम, पिस्ते, केले। ये सब मैं अकेले ही खाता हूँ। बीवी? बीवी जी हाँ। तौबा कीजिए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कीमती, झूठ बोलते हो। मैंने खुद खाई है पूरियां तुम्हारी शादी की। मेरी शादी की? जी हाँ जी। तौबा कीजिए। तौबा क्या कीजिए, ये झूठ बोलता है। मैं खुद जा चुकी हूँ इसकी शादी पे। शील जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? आपको मेरे यकीन नहीं? नहीं, मेरे पे यकीन नहीं, बिल्कुल नहीं। भाइयों, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं तो घर मेरे दो मासूम बच्चे, उनसे जाके पूछ लीजिए। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरी वो जो मुझे ना बहुत जरा जरूरी का काम, जरा इनसे मिल तो लो। मिलना ही पड़ेगा। हाँ। आइए भाई साहब, मिल लीजिए जल्दी। हाँ। जरा मुझे हेलो। क्या चाल है आपके? जा रहा हूँ घर। आप अपने जरा दूसरे कर्तव्य दिखाइए ना हमको। तो ये जो है, इस समय मैं लेट जाता हूँ जी। हाँ, और आप लोगों को जो अपने हल्के भारी जितने लोग आपके यहाँ हों जी, उनको बुला लीजिए, हमारी थोड़ी मालिश हो जाएगी। मालिश किस तरह से? मालिश मतलब लोग कुचेंगे और हमारा बदन जरा फिर गर्मी आ जाएगी, इंजन स्टार्टिंग। हाँ, ये बात है, तो बुलाइए। अच्छा बच्चा पार्टी, कौन कौन जरा अपने हाथ से एक ना मांगता है, जरा बताइए। आइए जरा इधर उठाइए, इस तरफ से आइए आइए आइए, आप आइए। आप कौन, आप में से कौन कौन आएगा? बच्चे बच्चे पहले बच्चे बच्चे। बॉक्सिंग करने का शौक किसी को नहीं क्या? आइए आइए आइए, आप जरा हो जाए लगा मुक्का। कपड़े गंदे नहीं होंगे, वो तो साफ हो जाएंगे। अच्छा नहीं, कपड़े तो गंदे होंगे, जूतों के साथ तो नहीं चढ़ेगा ये? वो साफ हो जाएगा। अच्छा तो आप ऐसे करिए, आप सब जरा इनके ऊपर चढ़ जाइए, देखिए। वैसे कुछ होगा तो नहीं? ये तो बाद की बात है, कुछ होगा कि नहीं तो देखने पर पता लगेगा। हमें कुछ हो रहा है। मकसद यही है। फिर से एक बार चले चलो। अच्छा ये बताइए, ये आप करते कैसे हैं? ये हम तो योगा अभ्यास द्वारा करते हैं, योग द्वारा एक्सरसाइजेस होती हैं जी, उसके द्वारा करते हैं ये। अच्छा, तो मतलब आप इनको, आपने गिराया इनको सिर्फ पेट में हवा भर के? हाँ, ये प्रेशर इतना हाई था इसमें। हाँ? इसमें एयर इतनी टाइट हो गई, ये लोग जो है संभल नहीं पाए अपने को सब। अच्छा, और हमारी थोड़ी सी मालिश हो गई। आपकी थोड़ी सी मालिश हो गई। अच्छा जी, चलिए आप चलिए अपनी जगह पे। अब हम आपको इन्हीं के कुछ ऐसे कर्तव्य है जो कि हम स्टूडियो में नहीं कर पाए, फिल्म की है वो आपको दिखाते हैं।